नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हवा कैसे चलती है, साथ ही जेट स्ट्रीम, कोरियोलिस फोर्स, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आदि के बारे में जाना था। और आज का हमारा ये वीडियो क्लाउड बर्स्ट यानी बादलों के फटने पर आधारित है। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे और भी कुछ रोचक बातों के बारे में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए और आप इससे कुछ नया सीखें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं हूं कमल निषाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर। क्लाउड बर्स्ट यानी बादलों का फटना। आपने बादलों के फटने के बारे में कई बार सुना होगा, तो क्या बादल सच में फट जाते हैं? कई लोग इस बात को सोचकर कंफ्यूज होते हैं कि बादल फटते कैसे होंगे। तो इसका सीधा जवाब यह है कि बादल वास्तव में फटते नहीं हैं, बल्कि जब किसी एक स्थान पर एक घंटे में 100 मिलीमीटर से कम बारिश हो तो उसे साधारण वर्षा, और यदि एक घंटे में 100 मिलीमीटर या इससे ज्यादा बारिश हो तो उसे बादलों का फटना यानी क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ये मिलीमीटर वाली बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि बारिश को मिलीमीटर में कैसे नापते हैं। कई बार आप खबरों में सुनते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी स्थान पर 20 मिलीमीटर बारिश हुई या 50 मिलीमीटर बारिश हुई, पर आखिर बारिश को मापते कैसे हैं? बारिश को मापने के लिए वर्षा मापी का उपयोग किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में रेन गेज कहते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि बारिश को कैसे मापते हैं या वर्षा मापी कैसे काम करता है, इसके बाद हम बादलों के फटने के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं वर्षा मापी कैसे काम करता है। वर्षा मापी या रेन गेज एक गोल सिलेंडर जैसा दिखने वाला पाइप के आकार का उपकरण होता है। इसमें नीचे से ऊपर की ओर स्केल पर मिलीमीटर के निशान बने होते हैं। इस यंत्र को ऊंचे और खुले स्थान पर लगाया जाता है जहां आसपास कोई ऊंची बिल्डिंग या पेड़ आदि ना हो, ताकि बारिश का पानी सीधे इस यंत्र में गिर सके। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इस यंत्र में इकट्ठा होता है। मानसून के दिनों में दिन में करीब 2 बार इस यंत्र पर बने निशान से रीडिंग को नोट कर लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी चौड़ाई कम या ज्यादा होने पर क्या बारिश की रीडिंग में फर्क आएगा? तो इसका जवाब यह है कि सही रीडिंग के लिए इस यंत्र के ऊपरी और निचले हिस्से का रेडियस एक बराबर होना चाहिए। जब दोनों हिस्सों का रेडियस एक बराबर होगा तो छोटे या बड़े वर्षा मापी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बारिश की रीडिंग अलग अलग वर्षा मापी से मापने पर भी एक सी ही मिलेगी। आपको ऐसा लग सकता है कि ये पाइप जल्दी भरेगा क्योंकि ये पाइप बारिश के ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है। दूसरी तरफ ये दूसरा पाइप है जो पानी के कम एरिया को कवर कर रहा है और धीरे धीरे भर रहा है। इस पहले पाइप में जो पानी इकट्ठा होगा वो भले ही ज्यादा हो, पर पाइप की चौड़ाई ज्यादा होने की वजह से पानी का लेवल ज्यादा ऊंचा नहीं उठेगा। इस दूसरे पाइप को देखते हैं, यहाँ पाइप के पतले होने की वजह से ज्यादा पानी इकट्ठा नहीं होगा, पर क्योंकि पाइप पतला है इसीलिए ये पानी भी यहाँ पर अपने लेवल को ऊंचा रखेगा। तो इस तरह पाइप पतला हो या चौड़ा, बारिश की रीडिंग एक सी ही मिलेगी। अब आप ये जान चुके हैं कि बारिश को कैसे मापते हैं, तो आगे हम ये जानेंगे कि क्लाउड बर्स्ट क्या है। जब किसी जगह पर बारिश होती है तो पानी जमीन पर गिरता है और साथ ही बहकर दूर चला जाता है। ऐसी बारिश यदि लंबे समय तक होती रहे तब भी इस बारिश से आमतौर पर कोई परेशानी नहीं होती है, पर यदि यही बारिश बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पानी बरसाने लगे, यानी पानी को बहकर दूर जाने का मौका ही ना मिले और लगातार ज्यादा मात्रा में पानी बरसता रहे, तो अचानक ही बाढ़ की स्थिति बन जाती है। जब किसी एक स्थान पर एक घंटे में 100 मिलीमीटर से कम बारिश हो तो उसे साधारण वर्षा, और यदि एक घंटे में 100 मिलीमीटर या इससे ज्यादा बारिश हो तो उसे बादलों का फटना यानी क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ऐसा लगता है कि बादलों को जो पानी लंबे समय तक बरसाना था वो सारा पानी बादलों ने एक साथ ही जमीन पर गिरा दिया है। इस सिचुएशन को ही बादलों का फटना या क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है।
क्लाउडबर्स्ट कैसे होता है? क्लाउडबर्स्ट की घटना होने के दो मेन कारण होते हैं। पहला, बादलों के रास्ते में आने वाली रुकावट से। दूसरा, गर्म हवा के टकराने से। हम इस पहले कारण को समझते हैं। ज्यादातर बादल फटने की घटनाएं पहाड़ों पर ही होती हैं। ये घटना कैसे होती है, इसे हम इस 3D मॉडल और ग्राफिक से समझेंगे। भारत में मानसून के दौरान बादल अपने साथ बहुत सारी नमी लेकर उत्तर के ठंडे क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं और बीच बीच में बरसते रहते हैं। उत्तर में हिमालय इन बादलों को रोक लेता है। सामने हिमालय होने की वजह से ये बादल आगे नहीं बढ़ पाते हैं और अगल बगल में फैलते हैं। यदि इन बादलों को अगल बगल में कोई रास्ता ना मिले तो ये बादल यहाँ फंस जाते हैं और पीछे से आने वाले दूसरे बादल भी यहाँ लेयर्स के रूप में इकट्ठा होने लगते हैं। ये बादल ऊपर इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि इन बादलों में बहुत ज़्यादा पानी होता है, ये भारी होते हैं और ये बादल इतने ऊंचे पहाड़ों को पार नहीं कर सकते हैं। तो पीछे से आने वाले बादल जब यहाँ एक ही जगह पर इकट्ठे होने लगते हैं तो इन बादलों पर दबाव बढ़ जाता है। बादल बहुत ज़्यादा गरजने लगते हैं, बिजलियाँ चमकती हैं और सामने की रुकावट की वजह से इन बादलों की सारी नमी अचानक ही पानी बनकर बरसने लगती है। जितना पानी बहुत लंबे समय तक बरस सकता था वो सारा पानी कुछ ही मिनटों में एक ही जगह पर बरस जाता है। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे बादलों में छेद हो गया है और ढेर सारा पानी एक साथ नीचे गिर रहा है। इस सिचुएशन को ही बादलों का फटना कहते हैं। इस अचानक होने वाली भारी बारिश से उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। जब इतना सारा पानी पहाड़ों से बहता हुआ नीचे आता है तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी और पेड़ भी बहाकर ले जाता है। तो ये था पहला कारण। दूसरा कारण, गर्म हवा के टकराने से। जब बादल बहुत सारी नमी लेकर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर अचानक किसी गर्म हवा के झोंके से टकरा जाते हैं तब भी बादलों में मौजूद नमी तेजी से बरसने लगती है और अचानक बाढ़ आ जाती है। मुंबई में 2005 में जो बादल फटने की घटना हुई थी वह गर्म हवा के टकराने से ही हुई थी। अब आप क्लाउडबर्स्ट की घटना के होने के दोनों कारणों को जान चुके हैं। अब आगे जानते हैं क्लाउडबर्स्ट से होने वाले नुकसान के बारे में। बादलों के फटने से होने वाले नुकसान। क्लाउडबर्स्ट से प्रभावित क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ जाती है, किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिलता। पहाड़ों से गिरने वाला पानी अपने साथ छोटे बड़े पत्थर, मिट्टी, कीचड़ और पेड़ भी बहाकर ले आता है। इससे भूस्खलन की समस्या भी हो जाती है। बादल फटने के कारण पहाड़ों पर सड़कें भी टूट जाती हैं और यात्रियों की जान खतरे में पड़ जाती है। जो पर्यटक टेंट आदि में ठहरे होते हैं उनकी जान को अधिक खतरा होता है क्योंकि पहाड़ों से गिरता हुआ पानी और मलबा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। स्थानीय लोगों को भी इस स्थिति में जान माल का खतरा बना रहता है। क्लाउडबर्स्ट से बचने के उपाय। बादलों को फटने से रोकने के लिए फिलहाल कोई भी ठोस तरीका उपलब्ध नहीं है, पर ऐसे कई तरीके हैं जिससे बादल फटने से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। मौसम विभाग द्वारा समय समय पर कई तरह की वार्निंग्स जारी की जाती हैं। पहाड़ों पर यात्रा करते समय मौसम विभाग द्वारा जारी सूचनाओं का ध्यान रखें। पहाड़ों पर घूमते समय ढलान वाले स्थान पर टेंट ना लगाएं और पानी के संभावित रास्तों से दूर रहें ताकि अचानक बाढ़ आने पर आप सुरक्षित रह सकें। जहां कहीं भी बादल फटने की संभावना हो वहां पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। जहां क्लाउडबर्स्ट होने का खतरा हो ऐसे स्थानों पर घरों की बनावट में उचित सुधार करें और मजबूत इमारतें ही बनाएं। वनों को बढ़ाएं ताकि जमीन का कटाव रुक सके और भूस्खलन से बचाव हो सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने क्लाउडबर्स्ट और वर्षा मापी के बारे में समझा और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी और हमारे इन मोशन ग्राफिक्स और 3D मॉडल से आपने बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो सच में पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन सभी खास लोगों को जिन्हें आप ये जानकारी देना चाहते हैं। और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें।
और यदि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया और आप हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस थैंक्स बटन पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही हमें कमेंट कीजिए यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप हमसे सोशल मीडियाज पर भी जुड़ सकते हैं। तो और भी जानकारी भरे वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।